नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का और बात 70 के दशक की। आज के दौर में तो पीआर मशीनरी एक्टर्स को स्टार्स बनाने की कोशिश में लगी रहती है और सब कुछ मैनेज किया जाता है, मगर उस दौर में राजेश खन्ना के लिए लोगों का दीवानापन किसी पीआर मशीनरी के देन नहीं था। राइटर हैं सिद्धार्थ भाटिया, वो कहते हैं कि वो मासूमियत का दौर था। आज का स्टारडम स्टेज मैनेज्ड होता है, लेकिन वो स्वाभाविक और रफ्तार से फैला था बिना किसी बाहरी मदद के। उन्होंने फैंस का जैसे एक पंथ शुरू किया था। ये शायद सच था, क्योंकि जिन लड़कियों ने उन्हें अपने खून से खत लिखे थे वो किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए स्टंट नहीं कर रही थीं। ये पूरा दीवानापन जैसे किसी सामूहिक सम्मोहन की तरह था। इस दीवानेपन के गवाह उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री के कई अभिनेता भी रहे। अपने एक इंटरव्यू में अभिनेता नवीन निश्चल कहते हैं, यकीन कीजिए, जिस तरह का सामूहिक उन्माद या मास हिस्टीरिया राजेश खन्ना ने जगाया था, मुझे नहीं लगता कि अमिताभ भी वैसा कर पाए हैं, और मैं उसका गवाह रहा हूं। मैं एक शादी के रिसेप्शन में ताज होटल गया था। जब मैं अंदर जा रहा था तो काका बाहर आ रहे थे। हम एक दूसरे के करीब से गुजरे और तभी मैंने वो विलक्षण दृश्य देखा। मैंने देखा कि आगे आगे काका हैं और लोगों की बहुत भारी भीड़ बस उनके पीछे पीछे चल रही है। ये न भूलने वाला मंजर था और उसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काफ़ी समय पहले एक इंटरव्यू में ये बात नवीन निश्चल ने कही थी। ये तूफान सिर्फ बाहर ही नहीं था, कामयाबी की ये आंधी उन्हें जैसे अपने साथ उड़ा लेकर कहीं दूर जा रही थी। इस कामयाबी ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। जिंदगी की लगाम उन्हें अक्सर अपने हाथों से छूटती नजर आती थी। उसी दौर में दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किसी फिल्म के प्रीमियर पर 10 कारों में 10 स्टार्स आते थे, लेकिन जब मेरी कार पहुंचती थी तो मास हिस्टीरिया जैसा मंजर हो जाता था। मैं खुद अपने सुपर स्टारडम से डर गया था। अपने अंदर की इस हलचल को काबू में करना मुश्किल होता जा रहा था। ये चीज़ें राजेश खन्ना को बदल रही थी, और इन कामयाबी के बाद राजेश खन्ना में आए बदलावों पर बात करते हुए राइटर सलीम खान कहते हैं, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है, आपके लिए लोगों का नज़रिया बदल गया, आपकी एक झलक के लिए भीड़ आपके पीछे भाग रही है, फैंस दीवाने होकर कपड़े तक फाड़ रहे हैं, कैसे मुमकिन है कि आप में बदलाव ना आए। कई लोगों को ऐसे हालात जिंदगी में हम्बल होना सिखाते हैं, वो लेकिन कई लोग कामयाबी को संभाल भी नहीं पाते। बदलाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, लेकिन बदलाव आना तय है। अपने अंदर आए बदलावों को शायद राजेश खन्ना भी महसूस करने लगे थे। उनकी कामयाबी के बारे में पत्रकार मालविका संघवी ने एक जगह लिखा है, ये सफलता इतनी मादक थी कि बड़े से बड़े संत में भी अहंकार पैदा करते। हर रोज फैंस की आंखों में उन्हें अपना अक्स नजर आता, हर पत्रिका उनके किस्सों से भरी रहती। उनकी उम्र अभी ज्यादा नहीं थी और कामयाबी बेहद जल्द और अप्रत्याशित तरीके से आई थी। इस तरह की करिश्माई कामयाबी के बाद असली जिंदगी में उनका बर्ताव ज्यादा से ज्यादा फिल्मी और मेलोड्रामेटिक होता गया। ऐसा लगने लगा जैसे वो अपनी असली जिंदगी में सुपरस्टार राजेश खन्ना का रोल निभा रहे हैं। जावेद अख्तर कहते हैं कि मैं कह नहीं सकता कि वो एक सुपरस्टार की तरह बर्ताव करते थे या नहीं, क्योंकि उनके जैसा पहले कोई हुआ ही नहीं था। वो अपने आप में ओरिजिनल थे। उनका कद बहुत बढ़ गया था और उनको लेकर अजीब दीवानापन था, इसमें आप उनको दोष नहीं दे सकते। सलीम खान इससे जुड़ा एक वाक्य बताते हैं कि एक बार एक फिल्म पत्रकार ने अभिनेता संजीव कुमार पर एक कवर स्टोरी की। संजीव कुमार के साथ राजेश खन्ना की कोल्ड वॉर की खबरें उन दिनों अक्सर आती रहती थीं। इस कवर स्टोरी में संजीव कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें एक सीरियस एक्टर बताया गया था। फिल्म इंडस्ट्री में कई हस्तियों के साथ इसमें सलीम खान को भी इंटरव्यू के लिए सवाल पूछा गया था और उन्होंने संजीव कुमार की खूब तारीफ की। आगे का किस्सा अगले पॉडकास्ट में। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।